मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार 30 जून को बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किश्त युवाओं के खाते में ट्रांसफर की। 1,16,737 युवाओं को 31,69,60,000 रुपए की राशि दी गई। पिछले महीने 1,05,586 हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया था। वो तो पहले ही वो हथियार डाल चुके हैं, तभी तो बार बार प्रभार बदल रहे हैं, बार बार जो प्रदेश के नेतृत्व उसको बदल रहे हैं और हताशा में हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और तभी तो जो अभी महाराज साहब को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उसके बाद जो ट्विटर में सोशल मीडिया में जो उनकी प्रतिक्रिया देखी गई, थोड़ी उनको लगता था कि कुछ पिछले समय जैसे जोगी फैक्टर के कारण से हम लोग लगातार सत्ता से वंचित हो जाते थोड़े सीटों के लिए, तो उम्मीद कर रहे थे, तो ये पर भरोसा तीन भरोसा नहीं चलेगा। दूसरे भरोसे में खुद मेहनत करते नहीं, दूसरे भरोसे में ये सत्ता में आना चाहते हैं। तो वैसे भी 4.5 साल 5 साल ये लोग कोई काम नहीं किए हैं, अब चुनाव 3 महीने बचे हैं तो थोड़ी सक्रियता प्रभारियों को दिखाई दे रही है, स्थानीय नेताओं का अभी भी सक्रिय नहीं हो रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री निवास में 2 बड़े कार्यक्रम हुए जिसमें बेरोजगारी भत्ता की तीसरे किस्त हमने जारी की और अब तक ये लगभग 80 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई 3 महीने में, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में केवल 98 करोड़ बांटे गए। 15 साल ये लोग राज किए और 98 करोड़ बेरोजगारों में दिए थे, हमारे 3 महीने में 80 करोड़ पार कर गया, 4वें महीने वो भी आंकड़ा पार हो जाएगा। और उसके साथ साथ जहां बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है वहां कौशल प्रशिक्षण भी कराया जा रहा है और अभी तक के 4,000 लोगों को जॉब भी दे दिया गया है, खुद के रोजगार या फिर एम्प्लेसमेंट में कहीं रोजगार मिला है। तो इस प्रकार से ये भी पीछे पीछे काम चल रहा है। उसी प्रकार से आवास में 155 करोड़ रुपए की राशि आज जारी की गई, किसी के प्रथम किस्त का, दूसरे किस्त का, तीसरे किस्त का, इस प्रकार से राशि जारी कर दी गई है। और आवास के लिए हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि 2011 के जनगणना के आधार पर लोगों को दिया जाता है, और इस बीच में जो 12 साल 13 साल हो गए, इस बीच में बहुत सारे और पात्र हितग्राही हैं, उसका सर्वे नहीं होने के कारण से उन लोगों को इसके लाभ से वंचित हो रहे हैं। तो लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। राज्य सरकार के द्वारा 1 अप्रैल से आर्थिक सर्वेक्षण का काम शुरू किया गया है, वो सर्वे पूर्ण हो चुका है, अब उसके एनालिसिस का काम चल रहा है और जैसे एनालिसिस आएगा उसके हिसाब से फिर आगे योजना बनाई जाएगी। सबसे ज़्यादा तकलीफ रमन सिंह को, क्योंकि योगी के भरोसे 3 बार मुख्यमंत्री बने, उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और कांग्रेस पहले से एकजुट है, एक बार हो गया हो गया, लेकिन बार बार नहीं होता। और दिल्ली के भाग से ठीका बार बार नहीं टूटता। आदेश को लेकर भी बोला था कि केशव वेणुगोपाल तो पार्टी आदेशित करेगी, भाई पार्टी आदेशित करेगी, फिर हम यहाँ आदेश जारी करेंगे, ठीक है, उसमें क्या उसके पार्टी में नहीं होता क्या, उनके पार्टी में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बन जाता पता नहीं चलता।